जांजगीर चांपा जिले के शराब दुकान खुलते ही सभी शराब दुकानों के सामने शराब प्रेमियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। 40 दिनों के बाद शराब दुकान खोलने से शराबियों में काफी उत्साह नजर आया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए जांजगीर चांपा जिले के पुलिस टीम सभी शराब भट्टियों के सामने तैनात थी, तो वहीं शराब प्रेमियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से एक अनोखी पहल करते हुए कहा कि इतने दिनों बाद शराब दुकानें खुली हैं तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन पूरे भारत देश में कोविड-19 का तांडव छाया हुआ है जिसके चलते पूरा देश मौत के मुंह में समा रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों में सरकार से अनुरोध है कि शराब भट्टियों को बंद कर दिया जाए और कहा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं, पहले देश फिर उसके बाद बाकी काम, जिससे यह पता लगता है कि आज भी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना फूट फूट कर भरी हुई है, लेकिन शायद सरकार के अंदर ही जनता प्रेम की भावना नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार स्वयं के मुनाफा के चलते जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है। राहुल में ड्यूटी देसी एवं गरीब शराब दुकान में लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से, लेकिन लोगों की भीड़ आज कम थी और जो है कानून व्यवस्था ड्यूटी में खुद के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और लोगों को जो है मास्क लगा करके आने के लिए समझाइश दिया गया है तथा जो है डिस्टेंस का ख्याल रखा जाने के लिए सबको हिदायत दिया जा रहा है। शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण रहा। आज दारू भट्टी खुला है तो हम लोग सोचे घर में ले जाकर थोड़ा अपना व्यवस्था जमा लें, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि दारू बंद हो जाए, अपना व्यक्तिगत राय है ये दोनों भाई का, देख रहे हैं तो हाँ परमिशन है इसीलिए आए हैं लेने के लिए। और एक महीने दो महीने से लगभग तो हम लोग एकदम घर में थे और पी रहे थे, कुछ कुछ नहीं मिल रहा था, लगभग नहीं के बरोबर थे। आज जो मिला है भट्टी खुला है तो इसी के लिए ओपनिंग के लिए आए थे। तो कैसा लगा है आज? अभी खुशी का थोड़ा अंबार लगा है, मिला है तो आज बहुत दिनों बाद है ना, तब देखते हैं कब तक चलता है ये। और क्या मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बस मीडिया के माध्यम से ही है, कोरोना के लिए बचने के लिए अपना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और सीएम महोदय से मैं यही अनुरोध करूँगा कि ये भट्टी है उसको बंद करा दें, इससे अच्छा है। चलो ठीक, बढ़िया महसूस कर एक प्रकार से, अतका दिन लॉकडाउन में फंसे रहे हो गए थे, अचानक से मिली सेवा। वैसे प्रदेश अभी ठीक रही सेवा, एक प्रकार से सब स्थगित रही सेवा, जो पुराने स्टॉक लोग माले व निकाले हवा एक प्रकार से ठीक है हवा। तो आप मतलब चावल मिले हैं ना? निःशुल्क वाला मिले, निःशुल्क वाला मिले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।